प्रभु, भगवान को रोशनी की जरूरत कब से पड़ने लगी? सत्य कहा, परंतु इतनी कम रोशनी में उनकी पूजा करके उनका निरादर भी नहीं कर सकते। परंतु हमारे पास तो केवल 15 मिनट बाकी हैं। पल्लवी ने किया है। इस लड़की की क्षमा याचना मैंने भी सुनी थी, सीधे हृदय से निकली थी और मेरे हृदय तक पहुंची। इसने ये घृणित कार्य नहीं किया, फिर भी सारा दोष अपने पर आने दिया। ये कार्य किसने किया ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं इसने किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी को दोषी ठहराया और समय आने पर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। हम सब जब यहां रोशनी के लिए तरस रहे थे, तब इसने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस पंडाल को जगमगा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की पूजा में कोई खलल ना हो। साफ दिल और भक्ति भाव की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? ये लड़की और इसका पति, ये दोनों वजह हैं भगवान शिव के अभिषेक में रोशनी लाने के लिए। मेरे विचार से इसे एक समाधान मिलना चाहिए। इसे और इसके पूरे परिवार को पूजा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। गलतियां इंसान से ही होती है। आप लोगों के बच्चे भी गलतियां करते होंगे ना, आप क्षमा कर देते हैं ना? महंत जी,
आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा जी, सुरेश जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग दोनों आगे आइए और पूजा का विधान शुरू करिए। बेटा पल्लवी, आप दोनों भी आगे आइए और अपने माता पिता के साथ पूजा का विधि विधान पूर्ण करिए। मम्मी जी, पापा जी, चलिए चलिए ना। बेटा, शिव और शक्ति साथ हो ना, सब कुछ संभव हो सकता है। अगर तुम पल्लवी का साथ दो तो तुम दोनों मिलकर दुनिया जीत सकते हो। जी पापा, भगवान करे ये रिश्ता हमेशा बनाए रखे। पति पत्नी के बीच की डोर कभी कच्ची नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं राकेश के ऊपर बेकार ही शक कर रही हूँ? पर वो निशान वहां आया कैसे और उन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे? जिसने सबके जीवन में प्रकाश लाया हो उसकी भक्ति अधूरी कैसे रह सकती है? बेटा आकाश, बेटा पल्लवी, ऊपर आइए। जी महान जी। ये चुनर माता पार्वती पे चढ़ा दीजिए। जी महान जी। अब ये पूजा संपन्न हुई। ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो। क्या हो गया दी? अरे ठंड लग रही है। मैं आपके लिए शॉल लेके आती हूँ। पल्लवी तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। ठीक हो ना? बुखार तो नहीं है ना? नहीं, बस ठंड लग रही है। पल्लवी यार, शॉल तो नहीं मिला, स्टोल ही ले लो। कोई बात नहीं, थैंक यू भाभी। दीदी ये स्टोव, ये बड़ा कॉमन है क्या? आज सुबह ही ना मैंने सेम स्टोल देखा, बिल्कुल सेम डिट्टो। एक्चुअली आज सुबह मैं मार्केट गई थी ना, तो पापा ना भांग की शॉप में चले गए, तो उन्हें लाने गई ना, तो मैंने देखा कि वहाँ भांग की शॉप में ना एक लेडी खड़ी थी,
और बिल्कुल सेम सेम स्टोल ओढ़ा हुआ था उन्होंने और भांग खरीद रही थी। भाभी ये किसका स्टोल है? ये तो मम्मी जी की स्टोल है। संध्या मुझे बुला रही है, मैं आती हूँ। हाँ पहन लो पहन लो, महंगा स्टोल है ना। मगर एक बात का ध्यान रखना, जाने से पहले वापस जरूर करना। वो क्या है, सोसाइटी की सारी महिलाओं को ये तोहफे में मिला है ना, एकदम सेम टू सेम। सबके पास सेम टू सेम? हाँ, हमारे विधायक जी चुनाव के समय उन्होंने तो दिया था हम सारी महिलाओं को, तो जाने से पहले दे देना वापस। हाँ तो मैं इससे टकराई थी। चलिए आप लोग सब अंदर आ जाइए। पापा विभूति आप फलाहारी डिनर आज, तो फलाहार करके जाइएगा। नहीं नहीं आकाश, बहुत लेट हो गया ना, हम घर जा रहे हैं। आई एम फीलिंग टायर्ड। विभूति बस दो। नहीं आकाश, वो सुबह राहुल का स्कूल है ना। हाँ तो हमें भी निकलना पड़ेगा। ये जैसे आपकी मर्जी। पापा, पापा जी आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा, आपके तो किसी बच्चे का स्कूल नहीं है ना, आप प्लीज चलिए। ये सब क्या है? सरप्राइज। ये सब हमारे आने वाले बेबी के लिए, उसकी पहली शॉपिंग। हमारे बेबी का कमरा बनेगा। मैंने तो एक डिजाइनर से बात भी कर ली है कि रूम कैसे डिजाइन करवाने। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो कॉर्नर है ना, ऐसी वेस्ट पड़ा हो, इसी कॉर्नर में एक छोटा सा टब लगवाएंगे, पूल लगवाएंगे, वो बच्चा वहीं पे खेलेगा। हमारे बेबी को सब पता होगा। इट्स नाइस इट्स नाइस, लेकिन लेकिन अभी इस वक्त इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? आई मीन अगर ये पैसे हम सेव करेंगे तो आगे हमारे काम आएंगे ना। दीपू सेविंग भी जरूरी है लेकिन ये भी जरूरी है। अरे जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा ना, तो उसे पता होना चाहिए ना कि उसके मम्मी डैडी ने कैसा ब्यूटीफुल रूम बनाया उसके लिए। तो इतना तो बनता है दीपू, और ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। बहू आने वाले के लिए खुशी होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। ऐसे रुदाली बनी रहोगी तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे भाई हम कहां फटीचरों के घर में आ गए। पति प्यार दे रहा है, ले लो, नसीब से मिलता है। पापा मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है ना। और वरुण उसका बिजनेस तो अभी सेट हुआ है, मेरी जॉब भी नहीं है, और इस सब के बीच में अभी ये खर्चा, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और सच कहूँ तो खर्चों से बच्चों की खुशियाँ नहीं डिसाइड होती। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना सिर्फ प्यार चाहिए, बस बहुत सारा प्यार, उनके लिए वही काफी और कुछ नहीं चाहिए। वरुण तुम्हारा घर इतना छोटा है, कहाँ रखेंगे इसे? ना ही छोटा तो हमारा घर था, हमने तो उसमें सारी की सारी फौज पाल ली। तुम्हें एक बच्चा आफत लग रहा है? अरे सोचो सोचो थोड़ा। कमाल है, मैं क्या तुम लोगों को हमेशा इसी घर में रखूंगा, इससे बड़े घर में नहीं ले जाऊंगा? ये मैंने कब कहा? तो और क्या कहा तुम? अरे अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बोल दो ना यार दीपू कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वरुण मैं तुम्हें कैसे समझा कि अगर मैं इस दुनिया में ना उससे ज्यादा किसी पे ट्रस्ट करती हूँ तो वो तुम हो। मुझे ये बात कितना प्रूव करना पड़ेगा तुम? हाँ कुछ प्रूव नहीं करना। तो बैठ 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 रिलैक्स। मेरे शूज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, मार्केटिंग भी शुरू हो गई है, ऐप वेबसाइट सब कुछ रेडी है, मैं कर लूंगा यार ट्रस्ट मी। और तुम्हें याद है मैं इस बेबी के लिए रेडी नहीं था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज है तो इतने ये छोटी छोटी खुशियां तो मैं जी सकता हूं ना, इतना तो हक बनता है मेरा। और तुम यकीन करो
जैसे मेरी वेबसाइट और ऐप स्टार्ट हो जाएगी, मेरी सेल्स भी स्टार्ट हो जाएगी। टच वुड वरुण, सब कुछ ऐसा ही हो। वरुण, ये सब फ्यूचर टेंस है। खुशी मनाओ, एंजॉय करो, लेकिन पहले जीतो, उसके बाद। जीतने से पहले सिर्फ मेहनत करो। हमारा हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहा है। ओके। तुम तो सिर्फ मेरे बेबी का ख्याल रखो। उतर गया है ना तुम्हारा गुस्सा पल्लवी के ऊपर से? पल्लवी ने सिर्फ अपनी गलती सुधारी है। गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। जो भी है खैर, थैंक गॉड सब ठीक से निपट गया। मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि साथ में भांग मिलाया किसने। जो भी हो, मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि ये सब हुआ। कितने मन से आए थे ना वो लोग पूजा करने, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें वापस पूजा करने का मौका मिला। जो हुआ सो हुआ बेटे, लेकिन प्रसाद मैंने भी तो खाया। पापा लीजिए ना। ये क्या है मम्मी जी के बैग में? मेहंदी मम्मी जी के पास? इसे तो बाल धो लूंगी मैं कल। अरे पापा, ये दाग कैसे लगा? दाग पता नहीं बेटा। चलिए मैं साफ कर देती हूँ, आइए। रहने दे बेटा, मैं घर पे जाके साफ कर दूंगा। अभी हो जाएगा, एक मिनट। चलो मैं बाहर जाता हूँ। हाँ। ये तो भांग है, ये यहाँ कैसे आई? भाभी, हाँ? ये क्या है? ये तो मेहंदी है ना, मैं इसे कल बाल दूंगी। अगर तुम्हें भी लगानी है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ी सी छोड़ दूंगी। कहाँ मिली आपको ये? तो मम्मी जी के रूम में मिली ना मुझे, और मैंने बाथरूम में जाकर रख दी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है इस पैकेट में? भाभी पक्का आपको ये चाची जी के कमरे में मिला है? हाँ, मम्मी जी के कमरे में मिला था, मैं उनकी वो शॉल रखने गई थी ना, तभी मिला। एक्चुअली आज सुबह मैं मार्केट गई थी ना, तो पापा ना भांग की शॉप में चले गए। तो उन्हें लाने गई ना, तो मैंने देखा कि वहाँ भांग की शॉप में ना एक लेडी खड़ी थी, और बिल्कुल सेम स्टोल ओढ़ा हुआ था उन्होंने। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है इस पैकेट में? नहीं भाभी, आप जब प्रसाद लेने गई थी तब वहाँ और कोई था क्या? नहीं, मैं ही लेने गई थी। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी आई थी ना, वो प्रसाद बहुत ज्यादा था ना, तो मम्मी जी हेल्प करने आई थी मेरी। बेचारी, उन्हें ना चक्कर आ गया, और फिर मैं पानी लेकर आई। मम्मी जी ने पानी नहीं पिया वरना व्रत टूट जाता उनका। इसका मतलब प्रसाद में भांग चाची जी ने मिलाई?
कूल कूल शांत हो जाओ, कल होटल में आके देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आकाश ये क्या? आकाश इस पैकेट के बारे में ही मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। ये तो मम्मी जी के रूम में मिली ना मुझे। भांग का पैकेट इसके पास कैसे आ गया? कौन सी नई पट्टी पढ़ा रही है आकाश को? समझा तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस पल्लवी से निपटना पड़ेगा। रुक अब तुझे दिखाती हूँ कुसुम ने कितने डेली सोप्स देखे। मैं तुम्हारे सामने किसी की शिकायत लेके नहीं आई, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुमसे हर बात शेयर करूं, बस इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगा पल्लवी ये बात। और For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.